हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं द केडी ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आया हूं हस्तनापुर में। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप हस्तनापुर कैसे आएँ, आप हस्तनापुर में आगे क्या क्या देखें, आप हस्तनापुर में क्या खाएं, आप हस्तनापुर में कहां रुकें और आपका बजट हस्तनापुर में आके कितना लगेगा और आप कितने दिन के लिए यहां आए, मिलेगा सब कुछ इसी वीडियो में। तो चलो घूमते हैं मेरे साथ हस्तनापुर। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ शहर के नज़दीक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हस्तिनापुर शहर के इतिहास की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हैं और महाकाव्यों के अनुसार हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां पांडवों और कौरवों के मध्य होने वाला महान युद्ध महाभारत हुआ था। इस युद्ध में पांडव जीत गए थे और उन्होंने अगले 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया था। बस के द्वारा हस्तिनापुर आने के लिए आपको सबसे पहले मेरठ आना होगा। मेरठ से हस्तिनापुर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। आपको मेरठ से हस्तिनापुर के लिए बस, रिक्शा या ऑटो मिल सकता है। यहाँ आप रेल के द्वारा भी आ सकते हैं। रेल के द्वारा आने के लिए आपको मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन आना होगा। वहाँ से आपको बस या ऑटो के द्वारा ही जाना होगा, क्योंकि हस्तिनापुर का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। फ्लाइट के द्वारा आने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आना होगा। उसके बाद आपको मेरठ तक आना होगा। उसके बाद आप हस्तिनापुर जा सकते हैं। आप मवाना बस स्टैंड आकर हस्तिनापुर पहुँच सकते हैं और अपनी गाड़ी से आप हस्तिनापुर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि इसकी दूरी दिल्ली से मात्र 105 किलोमीटर। तो पांडवों के जमाने के जो अवशेष हैं उसमें केवल ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी का टीला बाकी बचा हुआ है। पांडव जिस हस्तिनापुर में राज करते थे उसमें केवल एक ये टीला बचा हुआ है। आप जो ये मेरे चारों तरफ ये किला देख रहे हैं ये पांडवों के ज़माने का है। माना जाता है कि ये पहले कम से कम 6 मंजिल का हुआ करता था, जो कि एक अब खंडर मात्र रह गया। ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए ये दीवारें, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें उस टाइम पे महलों की हुआ करती थी। ये वही दीवारें हैं जो महल उधर कुछ दिन पहले कुछ वैज्ञानिकों ने खुदाई की थी। वो देखना चाहते थे कि महाभारत के ज़माने के क्या अवशेष अभी बाकी हैं, तो उन लोगों ने उधर खुदाई की थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या खुदाई की थी। आइए जरा। उस खुदाई में बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि महाभारत काल में जो हुआ है वो सच है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रामायण और महाभारत को मानते नहीं है, वो विश्वास नहीं करते रामायण और महाभारत में, लेकिन खुदाई के दौरान जब साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, तो लोगों को विश्वास करना पड़ता है और उनको मानना पड़ता है कि हाँ सच में रामायण और महाभारत भी कुछ था उस टाइम पे भी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इधर खुदाई हुई है तो ऐसे पात्र मिले हैं, बर्तन मिले हैं जो कम से कम 6-7 हज़ार साल पुराने हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ उधर खुदाई कर करके। वैज्ञानिकों ने अभी 2 महीने पहले ही खुदाई की थी, हमने न्यूज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही ये इधर सामने साइट है जहाँ पे वैज्ञानिकों ने खुदाई की थी और उसमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये वही पुराना किला है। इस किले में पांडव राज किया करते थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद 36 साल तक पांडवों ने यहाँ पर। आइए दोस्तों, मैं आपको वो कुआं दिखाता हूँ जहाँ से पानी लेकर द्रौपदी जो पांचाली थी वो स्नान किया करती थी। दोस्तों ये जो कुआं है, ये जो आप इधर कुआं देख रहे हैं ये लगभग 6 हज़ार साल पुराना है।
इस कुएं में द्रौपदी स्नान किया करती थी। माना जाता है आज भी अगर इस कुएं से पानी लेकर आप अपने ऊपर डालें तो उससे हर चर्म रोगों का इलाज हो सकता है। तो दोस्तों आप यहां आकर आप ऐसा कर सकते हैं, इससे पानी निकालकर अपने रोगों पर लगा सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं इसमें स्नान करने के बाद। टीले के नीचे ही पांडवों का जो महल था वो उपस्थित था, यहीं पे वो लोग राज किया करते थे। तो पांडवों के किले पर जाने के लिए आपको लगभग 50-60 मीटर ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं, अभी मेरा मोबाइल छीन लेते तो इन बंदरों से अभी आपको बच के रहना पड़ेगा। तो हम हैं इस टाइम पांडेश्वर महादेव मंदिर में। इसको पांडेश्वर महादेव मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पांडव थे वो सभी लोग यहाँ पर आकर भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पांडव अमृत कुआ। दोस्तों जब पांडव यहाँ पे आते थे तो इसी कुएं में स्नान करके वो यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते थे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पांडेश्वर महादेव मंदिर। ये जो आप सामने बड़का वृक्ष देख रहे हैं ये लगभग 5-6 हज़ार साल पुराना है। माना जाता है कि ये महाभारत में जो पांडव थे भीम, उन्होंने ये पेड़ लगाया था। तो आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं यहाँ पांडेश्वर महादेव मंदिर में। आप पांडेश्वर महादेव मंदिर के पीछे एक गुफा है। माना जाता है महाभारत काल में जो पांडव थे वो यहाँ मंदिर में पूजा करने के बाद इस गुफा से जो एंट्री होती थी हस्तिनापुर में उससे बाहर निकल जाया करते थे। ये जो गुफा हुआ करती थी ये उनके महल के पास ही हुआ करती थी। अभी हमने आपको पांडवों का जो टीला दिखाया था वहाँ पे उनका महल हुआ करता था और उसके पास से ही ये गुफा हुआ करती थी। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं एक श्री करण मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर करण 125 सोना डेली दान किया करते थे। ये जो स्थान है ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपने कवच कुंडल दान किए थे। आओ दिखाते हैं आपको इस मंदिर को। ये वही शिवलिंग है, यहाँ पर करण जल चढ़ाकर 125 सोना डेली दान किया करते थे। ये देखिए ये 5000 साल पुराना शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और करण इसी शिवलिंग की पूजा करते थे और यहीं पर पूजा कर उन्होंने भगवान इंद्र को अपने कवच कुंडल दान में दिए। मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे पहले बूढ़ी गंगा हुआ करती थी। जो अभी गंगा जी है वो पहले यहीं से बहा करती थी। तो इस जगह का नाम अब बूढ़ी गंगा हो गया है। जो मैन गंगा जी है वो यहाँ से कुछ दूरी पर हटकर बहती है।
ये जो आप मेरे पीछे स्थान देख रहे हैं, ये द्रोपेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट बराबर में है। माना जाता है जो पितामह भीष्म थे, पितामह भीष्म यहाँ पर बैठकर ही पूजा किया करते थे और इस साइड गंगा जी बहती थी और वो उनको आकर दर्शन दिया करती थी। तो दोस्तों, महाभारत काल के पितामह भीष्म को कौन नहीं जानता। पितामह भीष्म जो कि गंगा के पुत्र थे, गंगा जी यहीं इसी स्थान पर आकर, जहां हम खड़े हैं इसी स्थान पर आकर उनको दर्शन दिया करती थी और उनसे बातचीत किया करती थी। इधर पीछे की साइड में द्रोपेश्वर महादेव मंदिर है। स्थान का नाम है भीष्म गंगा ध्यान आश्रम। मैंने अभी आपको बताया था, माना जाता है जो गंगा जी थी वो भीष्म से यहीं पर मिला करती थी और इसी के ही पीछे की साइड में है श्री द्रोपेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि ये मंदिर 7200 साल पुराना है। इस मंदिर में द्रौपदी पूजा अर्चना किया करती थी। यहाँ पर गंगा जी में नहाने के बाद वो इसी मंदिर में पूजा अर्चना किया करती थी और पूजा करने के बाद अपने महलों में वापस चली जाया करती थी। तो दोस्तों, ये महाभारत कालीन बहुत ही पुराने पुराने यहाँ पे अवशेष अभी भी बचे हुए हैं जो कि हम लोग देखने आ सकते हैं। आप लोग भी यहाँ पर इनको देखने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि यही हमारा इतिहास है।